भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। बाबा नंद सिंह जी झोरना बैठे सन जी, झोरना एक नाथ जो नथोवाल रहिंदा सी महापुरखां दे कोल आए, बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां इन्हें प्राप्त कीतियां होईयां सन, जो बोलदा सी सत हो जांदा सी, महापुरखां दी बड़ी शौ सुनी सी, बाबा नंद सिंह जी दी बहुत शौ सुनी सी, ते दर्शन करन हित आया जी, आग्या मंगी अंदरों आग्या मिल गई, नाथ अंदर चला गया, महापुरखां दे दिदारे कीते सन्मुख होके बह गया। बाबा नंद सिंह जी कहन लगे, कहिंदे दसो नाथ जी किवें चल रही है, ध्यान सुनियो, दसो नाथ जी किवें चल रही है, कहिंदा महाराज मौजां लगियां होईयां, मौजां लगी हत्थां दे च सोने दीआं मुंदरियां पाईआं सन, सोने की जंजीरियां पाईया सन, सोने के नाल लद्या होया से जी। बाबा नंद सिंह जी ने कहा, कहते दसो नाथ जी किवें चलती किवें लंघती, कहता महाराज मौजां लगी रिद्धियां सिद्धियां पल्ले ने आनंद बनिया पे, जिन्हों जो मर्जी कह दी है सत हो जाता, बड़े ऐसे घर लगे ने पदार्थां दे ढेर लगे रहिंदे ने, मौज बनी है खाण पीण दी मौजां ने, हर चीज दी मौज, जीवन जीवन दा स्वाद आ रहा, खो सतना जीवन जीवन दा स्वाद आ रहा। बाबा नंद सिंह जी कहण लगे, कहिंदे नाथ जी ये रिद्धियां ये सिद्धियां, कहिंदे किसी का भला भी किया जे, किसी का भला भी किया, कहिंदा महाराज भले ही करी, किसी नूं बच्चे देते, किसी का आ करता, किसी का वह वर देता, किसी नूं वह शराब देता, किसी नूं वह करता। महापुरख कहण लगे, कहिंदे नाथ जी ये काम तुहाडा नहीं, आखो सतनाम, ये काम तुहाडा नहीं, जिस काम करके परमेश्वर ने तुहानू भेजिया सी ओ तुसी तां किसी होर बन्ने तुर पे, भजन कीता जे कहिंदे हां जी कई सिले कट्टे चलिए कट्टे आ तां ही रिद्धियां सिद्धियां मिलियां। महापुरख कहण लगे, कहिंदे ये रिद्धियां सिद्धियां ने तुहानू तुहाडे मकसद तो दूर कर दिता, आखो सतनाम, ये रिद्धियां सिद्धियां ने तुहानू तुहाडे मकसद तो दूर कर दिता। कहिंदे जी मेरा कहड़ा मकसद, बड़िया मौजां लगियां हुई हैं, खाण पीण दे पदार्थ आ रहे ने, किसी का कम बगड़ा दी दा, कोई कहिंदा किसी का कम बिगाड़ भी देई दा, जो कोई कवे कर दई दा, बड़ी जय जयकार होई पई है। महापुरख मुस्कुरावे मुस्कुरा के कहन लगे, कहिंदे कुछ भजन भुजन भी करदे हो कि नहीं, और कुछ नाम जपांदे जपूंदे भी हो कि नहीं, कहिंदा नहीं महाराज ओ काम असी नहीं करी, आई तां दुनिया दे पदार्थां दे उपर मौजां लई। उदों फिर बाबा जी ने इस नाथ नू समत दित्ती, कहिंदे नाथ जी घर भी छड्डिया परिवार भी छड्डिया, एडी मशक्कतां भी घाली, कहिंदे की लाभ होया, जीवन अजिहा गवा दिता, आ जीवन मिलिया सी भला करन हित, ओ पांच दस भी पंजा सौ नू किधरे निरंकार दे चरणा दे विच जोड़ देंदे, किसी नू इबादत नाल जोड़ देंदे। बाबा नंद सिंह जी दे कोल कोई सलाम धर्म दा आंदा सी ना, उन्नू तस्बीह दे के कहिंदे सन अल्लाह अल्लाह करिया कर, आखो सतनाम, कोई हिंदू धर्म दा आंदा सी ते उन्नू कहिंदे सन जिहड़े इष्ट नू मनदा है जपिया कर,
सिख धर्म का वाहेगुरु वाहेगुरु करिया। कहिंदे नाथ जी आ तुहाडा काम सी, ओ केड़े कुराए पै गए, केड़े कम्मे पै गए, ऐसी वीर रस दे विच, ऐसी मतलब बाणी दे विच, ऐसे बोलां दे सात संगत प्रताप सी कि ओ नाथ सुन होया। सुन कहिंदे जी मैं तां आ सोचदा सी भई रिद्धियां सिद्धियां मिल गईयां, मौजां लग गईयां, भई हुण तां गल बन गई, बस इत्थे खेड खत्म। ओ कहिंदे ओ बोलिया यह तो रिद्धियां सिद्धियां ने तैनू खाई च गिरा दिता, जिहड़ा जग्यासू तुरदा रिद्धियां सिद्धियां पहले मिलदियां, तकरीबन 80% जग्यासू इत्थे ही अटक जांदे ने, अगे वधदे ही नहीं, रिद्धियां सिद्धियां विच ही खेड़दे रह जांदे ने। ओ चाले थे हर मिलन को, जिस करके तू चलिया सी विच ही अटक गया, पछाण तू किस करके बंदगी शुरू की थी, पछाण तैनू निरंकार ने क्यों इत्थे भेजिया, पछाण अपने आप अंदरले नू झंझोड़। बैठे बैठे सात संगत अंदर सट वजी, आ एक संत है, आ संत है जिहड़ा अंदरला विखा देवे। हुण उस नाथ ने सिले भी कट्टे, उस नाथ ने चलिए भी कट्टे, उस नाथ ने पता नहीं कितना जप तप भी किया, अटक गया ना, अटक गया। एक सत पुरश दे नाल मेल होया, सत पुरश ने रंग दिता, याद करा दिता कि तू करन की आया को सतनाम। कहिंदे महाराज चरणा ते तुहाडे इक बेनती है, बड़ी कृपा की आप जी ने कि जेड़ा आ मैनू समझा दिता, ठीक है अज तो बाद तुसी जेड़ी असीस दिती मैनू आ रिद्धियां सिद्धियां पासे करके नाम वाले पासे तुरांगा, भजन करांगा। पर कहिंदे महापुरखो एक बेनती तुहाडे चरणा च करनी, एक बेनती हुण सुनो संगत जी। कहिंदे तुसी अखां खोलियां, जितना मैं सुनिया सी तुहाडे बारे उस तो कई अधिक होके मैं अगे तुहानूं वेख्या, उस तो वध होके मैं तुहानूं वेख। महापुरखो तुसी अखां खोलियां मेरियां, मैं नाम नाल जुड़ांगा, भजन करांगा, बंदगी करांगा, इबादत करांगा, पर एक मेरी बेनती सुन लिओ, एक मेरी बेनती सुन लिओ, प्रवान कर लिओ। महापुरख कहण लगे कहिंदे दस की बेनती है ते, की बेनती? कहिंदे महापुरखो वचन देना पएगा। कहिंदे दस तां सही। कहिंदे वचन दिओ पहले बनोगे? कहिंदे दस तां सही। कहिंदे महाराज जदों मेरा अंत समा आएगा, मेरे अंत समय नूं तुसी संभालोगे, आखो सतनाम। जदों मेरा अंत समा, देखो अखां खुल गईं, खुल गईं। एक पूरे संत दे अगे बैठे ओ नाथ जिहड़ा पखंड पिया रचदा, ओ नाथ जिहड़ा रिद्धियां सिद्धियां दे पिया किसी दा कम विगाड़ता, किसी दा सवारता, आ पखंड दे विच पिया। एक पूरे संत दे अगे जदों आया ना, ते अज अखां खोलियां, ते हुण शीशा सामने नजर आया। कहिंदा मैं तुहाडी गल मन्नांगा, हुण भजन करांगा, हुण मालक दे चरणां नाल जुड़ांगा, ते मालक दे चरणां नाल ही जोड़ांगा, पर आ मेरा वचन मान लिया, आ वचन मान लिओ महापुरखो, जदों मेरा अंत समा आवे, मेरा अंत समा तुसी संभालोगे, आखो सतनाम। महापुरख कहण लगे कहिंदे जा तेरे नाल वचन करदे आ, जा तेरे नाल वचन करदे आ, अंत समय असीं तेरे कोल होवांगे, आखो सतनाम। साध संगत जी इस नाथ दा जदों अंतम समा आया, नथोवाल इधर इहदी तैयारी, इधर महापुरखां ने बाबा नानक सिंह जी ने कहा कहते चलो भाई नथोवाल की तैयारी करो जी। नथोवाल? हाँ। किसी नूं वचन कीता सी ओ वचन पूरा करना है। जदों सात संगत नथोवाल पहुंचे ने, उस सिद्ध दे कोल पहुंचे, उस नाथ दे कोल पहुंचे,
नाथ नू दसया उदे चेलिया ने कहिंदे बाबा आनंद सिंह जी आए। ओहो मुड़दे रूह दे विच जान फूकी गई, हौली हौली उठिया चरना ते नमस्कार कीती, कहिंदे मैनू पता सी मेरे प्राण पंखेरू अटके होए सन, ओह तुहानू उड़ीक रहे सन उड़ीक रहे सन, मैनू पता सी तुसी बली हो, जवान दे बली हो, बोलां दे बली हो, जरूर आओगे जरूर आओगे। सात संगत जी महापुरखा ने उन्हों मंजे ते टिटाया ते सिर ते हाथ फेरदिया कहिंदे नाथ जी परमेश्वर दा नाम जपो। आखो सतनाम। नाथ जी परमेश्वर दा नाम जपो, स्वास मुकण वाले ने परमेश्वर दा नाम जपो, ओ परमेश्वर दे चरणा दे विच निवास पाओगे। आखो सतनाम। परमेश्वर दे चरणा च निवास पाओगे, नाम जपो। अखीरला वेला नाम दे नाल जोड़िया, बस नाम जपदे आं जपदे ही नाथ दे साथ संगत प्राण निकल गए। आखो सतनाम। ते जदों प्राण निकल गए बाबा आनंद सिंह जी ने आप अपने हथी उहदा सारा क्रियाक्रम कीता। कहिंदे नाथ जी आरंभ तां पखंड तों होए सी पर अंत अंत अपना सवार गए। परमेश्वर का नाम जप के परमेश्वर के नाम के नाल जोड़ के सतसंग करके सतसंग नाल संगत नूं जोड़ के भजन करके भजन के नाल संगत नूं जोड़ के अपना आगा सवार गए। नाथ जी आगा सवार गए। ये कृपा निधान दयाल मोहे तेज कर संतन का चेरा, कृपा निधान दयाल मोहे तेज कर संतन का। प्रभ ए है मनोरथ मेरा, प्रभ ए है मनोरथ मेरा, प्रभ ए है मनोरथ मेरा, प्रभ ए है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहे तेज कर संतन का चेरा, कृपा निधान दयाल मोहि तेज कर संतन का चेरा। महा आनंद पे सुख पाया संतन कै प्रसादी, महा आनंद पे सुख पाया संतन कै प्रसादी, संतन कै प्रसादी, संतन कै प्रसादी, संतन कै प्रसादी, इनू की कहोगे जी। कहते महा आनंद पे सुख पाया संतन कै प्रसादे, महापुरख की कृपा सदका, महापुरख की कृपा सदका, जीवन दे राह ते चलदिया एक सतपुरश की लोड़ पैंदी है, चाहिए राह भटक ना जाइए। सात संगत आरंभ दे विच भी दास ने यह गल कही सी, कई बारी साड़ी रूटीन जीवन की चलती होंगी, सानू पता है
महसूस होता है कि ठीक जो मैं कर रहा ठीक, पर एक सत पुरुष जदों उस रूटीन नू देखदा है, चैक करदा है, समझदा है, उन्हूं समझ लग जाती है कि यह जिन्हों ठीक समझदा पिया है यह गलत है। आखो सतनाम, फिर वह समझांदा है ऐदा नहीं ऐदा, ऐदा नहीं ऐदा, ऐदा नहीं ऐदा। कई वारी साध संगत जिंदगी दियां गूंजलां खोलण वास्ते जदों सतपुरश दे नाल गल्लां करी दियां, जदों सतपुरश दे नाल बचन करी दे, अगों सतपुरश ऐसी जुगती दे देंदे ने जीवन दियां कई उलझना, कई उलझना सहजे ही खुल जांदियां सास, कई गुंजलां सहजे ही खुल जांदियां। हुण मैं खुल के नहीं दसना चाहता सास, सच्चाई है। दास नूं भी जदों कोई इदां दी गल बन जांदी कि इत्थे हुण किवें, इत्थे हुण किवें, इत्थे हुण किवें, फिर राह अपने सतपुरशां कोल मंगी दे ते मिंट दे विच साध संगत ऐसा वो राह दसदे ने, ऐसा वो राह कि समझ लगती है कि वाहिगुरू जे जीवन दे विच आ सतपुरश ना होंदे, जे जीवन दे विच तुसी महापुरख ना मिलाए होंदे ते बस फिर तो उलझे ही पे सी। आखो सतनाम, इसलिए करिए बेनती साहब दे चरणा दे विच, साइया चरणा दे नाल गंढ के रखी, सतपुरश दे चरणा दे नाल गंढ के रखी। साई कहिंदे ने महा आनंद पए सुख पाया, संतन कै प्रसादे, और संतन की कृपा दे नाल महा सुख मिलता है, कृपा मिलती है। आओ कोई रसनावां जी नारे सारे मंगियो जी, कृपा निधान दयाल मोहे दीजे, कर संतन का चेरा, मनोरथ मेरा प्रभ ए है, 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 मनोरथ मेरा प्रभ ए करना
ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਬਾਜ, ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਜਿਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਭੂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਬਾਜ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਨਾ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਦੂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਾਣੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ, ਭਜਨ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜਾਦੂਗਰ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕਬਾਜ਼, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ। ਸੱਚਾਈ ਚ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਚ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਭਜਨ ਨਾਲ ਜੋ। ਆਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਾਓ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜੋੜਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਕਰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਥ, ਉਹ ਨਾਥ ਕਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਸਤਸੰਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਗੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ,
आ करनी वाला होया आखो सतनाम। एक विषयी जीवन वाला जिन्हों पता ही कोई नहीं सी नाम दा, उन्हों चरना दे नाल जोड़ देना, उन्हों गुरु नानक दे नाल जोड़ देना, उन्हों अमृत वेले नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जोड़ देना, आ है करनी वाला। इत्थे क्या करो करनी वाले, इहो जे महापुरखां दी तलाश, इहो जे महापुरखां दा संग, इहो जे महापुरखां दे अगे मन वेच देना, सात संगत मन वेच देना, फिर नहीं अगे पिछे वेखना, फिर मन वेच देना। जेड़े महापुरख जेड़े सत पुरश केवल दा केवल भजन दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल उच्चे सुचे जीवन दे नाल जोड़न जी, आओ ऐसे महापुरखां दी मंग, ऐसे सत पुरशां दी मंग सतगुरु जी दे चरणां च रखी है जी। अगर तुहानू ए वीडियो वधिया लगी है तां लाइक करो अते अगे शेयर जरूर करो जी।